पूरे देश में रामलीला का मंचन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। कई रामलीलाओं में बॉलीवुड एक्टर राम, लक्ष्मण, सीता, रावण के रूप में किरदार करते नजर आते हैं, ताकि रामलीला का मंचन ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए। इसी बीच द्वारका के डीडीए ग्राउंड सेक्टर 13 में बाल उत्सव रामलीला कमेटी एक भव्य रामलीला का मंचन कई सालों से करती आ रही है। इस बार रामलीला में प्रतिदिन राम, सीता सहित सभी दिव्य पात्रों का अलौकिक स्वरूप देखने को मिलता है। स्कूल के बच्चे हर प्रसंग का मंचन बड़ी ही खूबसूरती के साथ करते हैं। रामलीला में गणेश वंदना के साथ रामलीला की शुरुआत हुई। गणेश वंदना के पश्चात सभी बाल कलाकारों ने राम जन्म का मंचन किया। मंचन के बाद ताड़का वध जैसे प्रमुख प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात बाल कलाकारों ने श्वेता स्वयंवर के महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। ताड़का वध के मंचन ने दर्शकों को अचंभित किया। ताड़का का अभिनय बॉलीवुड एक्टर तनिष चौधरी ने किया। बाल रामलीला में राम, सीता और ताड़का के पात्र चर्चा में रहे। ताड़का वध प्रसंग का मंचन बॉलीवुड के बाल कलाकार तनिष चौधरी ने किया। तनिष बॉलीवुड की कुछ चर्चित फिल्मों जैसे फुकरे 3, छलांग, गंस एंड गुलाब और दादा लक्ष्मी में भी अभिनय कर चुके हैं। इस रामलीला में आए दर्शक एम कुमार ने बच्चों द्वारा किए गए मंचन पर कहा कि बच्चों ने हर रामायण की हर घटना का बड़ी खूबसूरती के साथ मंचन किया है। इस तरह के कार्यक्रमों से जहां बच्चों में आंतरिक क्षमता का विकास करता है, वहीं उन्हें देश के सांस्कृतिक मूल्य से भी जोड़ता है। बाल रामलीला समिति के महासचिव हरीश कोचर ने कहा कि आज की रामलीला काफी रोमांचक रही। बॉलीवुड एक्टर तनिष चौधरी ने ताड़का का मंचन किया जो सबसे अनूठा रहा। इस मौके पर बाल रामलीला की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल ने कहा कि नन्हे बच्चों के अभिनय ने सबका मन मोह लिया। ये जैसे ही हमारी एक रामलीला समाप्त होती है, हम स्कूल से कोऑर्डिनेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, स्कूल के सबके अपने कार्यक्रम होते हैं, तो वो उन कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से रामलीला को कहीं ऐसा ना भूल जाए कि इसको भी करना है, तो हम उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने करिकुलम में जो एक लिस्ट निकालते हैं वो अपने ईयरली प्लानर में इसको शामिल कर लें। तो कई एक स्कूल्स ने इसको ईयरली प्लानर में शामिल कर लिया है, हमारे लिए आसान कर दिया है। उसके बाद हम उन स्कूल्स को एक एक अध्याय देना शुरू कर देते हैं। आज क्या मंचन होने जा रहा है इस मंच पर? आज राम वनवास है और सीता स्वयंवर भी है। असल में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 3-3 सीता स्वयंवर हो रहे हैं और कल भी सीता स्वयंवर हुआ था, लेकिन हमारे कोई छोटे बच्चे से 6-7 साल के विद्यालय के बच्चे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं भी राम जी को बनूंगा, मैं भी सीता माता को, माता ही बोलते हैं, सीता माता को वरमाला पहनाऊँगा। तो फिर हमें वो बच्चों की जिद अच्छी लगती है, हम कहते हैं जी बनते हैं तो बने, कितने राम बने कितने लक्ष्मण बने हमारे लिए अच्छा है। मैं हरीश कोचर, महासचिव बाल उत्सव रामलीला समिति। ये रामलीला का जो हमने मंचन शुरू किया था आज से 8 वर्ष पहले, हमारी अध्यक्षा मैडम खंडेलवाल का, और हमारा एक वो था कि हम समाज में बच्चों में एक ऐसी शिक्षा दें जो हमारे धर्म के और जो धर्म के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान हो, उसी चीज़ को लेते हुए हमने कार्य किए, रामलीला शुरू की थी। और हमारा जो शुरू में 3 स्कूल थे, आज हमारे पास कम से कम 46 स्कूल इंस्टीट्यूट हैं और 4,000 बच्चे हमारे इसमें मंचन कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम एक अपने संस्कृति, अपने धर्म के उसके लिए बच्चों में एक वो भावना दें, जो बच्चा भरत का रोल करता है, राम का रोल करता है, वो अपने परिवार में भी वैसा अनुसरण करें, यही हमारा प्रयास। मेरा नाम हर्षित मिश्रा है, मैं 13 साल का हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। मैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। क्या किरदार आप रामलीला में आज करने वाले हैं? मैं आज रामलीला में राम का ही किरदार निभाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है राम के किरदार में आपको? श्री राम का किरदार बहुत अच्छा माना जाता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को मौका मिला, मैं श्री राम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। श्री राम का किरदार में आप गए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब परिवार से आप राम जी को देख रहे हैं? मैं राम जी को, श्री राम जी को पहले से शुरू से देख रहा हूँ और मेरे को पेरेंट्स ने भी कहा था कि राम जी का रोल बहुत अच्छा होता है और इसलिए मेरे को बहुत पसंद है उनका रोल, तो मैं वो वही किरदार निभा रहा हूँ। राम जी जिस तरीके से संदेश देते थे, राम जी ने जिस तरीके से अपना राजपाट छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया, कैसा मानते हैं, क्या कुछ संदेश देंगे आज की जनरेशन को? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहो और एकदम सच रहो, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो आपके साथ भी वो ऐसा ही उल्टा कुछ होने वाला है। आपका
मेरा नाम अक्षत है। आज क्या किरदार है आपका? मेरा लक्ष्मण का किरदार है इस रामलीला में। कैसा लग रहा है लक्ष्मण की किरदार? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई की लक्ष्मण की किरदार में भाई की बहुत बात माननी पड़ती है, क्या मानते हैं आप? मैं इनकी बात मानता हूँ, जब से मैं इनको मैं भाई भाई करके बुला रहा हूँ, और लक्ष्मण जी राम की परछाई होते हैं तो इस बात को करना चाहिए। ये लक्ष्मण बनने की प्रेरणा मिली कहाँ से, परिवार से या लक्ष्मण को आप शुरू से देख के आए? मैं लक्ष्मण को शुरू से देख के आ रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे जो फादर है वो भी लक्ष्मण का रोल करते थे, 5 साल उन्हें लक्ष्मण का रोल किया है, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे समाज में जो भाई भाई में लड़ाई हो रही है, भरोसा तोड़ रहे हैं, आप बच्चे होकर लक्ष्मण का रूप धारण कर रखा है, क्या कुछ कहें? ये अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, और जो छोटे बड़े सबकी इज्जत करनी चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं अनुश्री, और मैं यहाँ पे बाल उत्सव रामलीला से जुड़ी हुई हूँ। मैं मीडिया और पीआर का विभाग देख रही हूँ यहाँ पे, और संयोजन में भी मेरा भागदान है। मैडम क्या कुछ कहेगी कि बच्चे इतने क्यूट क्यूट बच्चे तमाम स्कूल के आकर भव्य रामलीला का मंचन कर रहे हैं, इसका आयोजन जब आप लोग करते हैं कैसा संदेश जाता है समाज में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमने पूरा ये एक बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा इसलिए उठाया है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर ये संस्कार आए, ये भावना आए कि राम कौन थे, सीता कौन थी, कैसे उनके जो उनका व्यक्तित्व था, क्यों था, कैसे था, एक कहानी की तरह बच्चे सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों है, क्या है, उनके असल जो उनकी भावनाएं हैं वो उनके अंदर नहीं आ रही। NBC News के लिए दिल्ली द्वारका से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।